Assalamualaikum friends, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त तैयब मुगल और आप देख रहे हैं तैयब मुगल चैनल। तो आज हम जिस शोरूम पर आए हैं आपको शायद लग रहा होगा ये डिफरेंट काफी, लेकिन ये न्यू शोरूम है, ठीक है। जगह न्यू है लेकिन शोरूम वही पुराना है, ठीक है। नाम तो आपने काफी टाइम पे इस चैनल पे चल रहा है, ठीक है, यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट। तो उमर भाई ने कुछ टाइम के लिए शिफ्ट किया यहाँ पर और इनका न्यू शोरूम अभी प्रोडक्ट है और ये है कि बस अभी हम न्यूज के काफ़ी टाइम बाद आए शोरूम पे। चले अमर भाई साथ खड़े, अमर भी आपको डिटेल बता देंगे, बल्कि और शॉप भी आपको आगे चल के दिखा दिए। बस आपको व्यूअर्स कैसे हैं, आप सब लोग ठीक हैं व्यूअर्स? यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स जहाँ पर हमारी पुरानी लोकेशन थी उसके बिल्कुल साथ नेक्स्ट बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पुरानी लोकेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा शोरूम आपके लिए लेके आए हैं। और आज अब नए शोरूम के ऊपर हमारी पहली वीडियो है तैयब मुगल चैनल के अंदर, और आज हम आपको दिखाएंगे हमारे पास स्टॉक में कौन कौन सी बाइक्स मौजूद हैं, जिसमें चाइनीज जैपनीज हर किस्म की बाइक्स अवेलेबल हैं, और आपको इस नए शोरूम का विजिट भी करवाएंगे। तो व्यूअर्स वक्त जाए के बगैर चलते हैं अपने स्टॉक की। जी व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे जी हम यामाहा वी स्टार के बारे में। ये 2011 का मॉडल है, यामाहा वी स्टार 1100 सीसी, लाहौर रजिस्टर्ड है। और इस बाइक की जो प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं वो 20 लाख रुपए है, 2 मिलियन रुपीज़ इस बाइक की आस्किंग प्राइस है। इसके बाद हम बात करेंगे हार्ले डेविडसन 883 के बारे में, 2013 का ये मॉडल है और इस बाइक की प्राइस हम जो डिमांड कर रहे हैं वो 18 लाख रुपए कर रहे हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जी किंग बूसा के बारे में। किंग बूसा तो मेरे ख्याल में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये है जनाब फुली कस्टमाइज पाकिस्तान का फर्स्ट 360 विद एयर सस्पेंशन एंड नॉस। इसके अंदर रेयर टायर 360 का इंस्टॉल किया गया है, उसके अलावा इसके अंदर एयर सस्पेंशन लगाई गई है, नॉस लगाया गया है, ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट लगाई गई है, उसके अलावा ये कंप्लीट पेंट ब्रश किया गया है। आपको इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे गोल्डन स्पार्कल्स हैं जो कि दिन की रोशनी में भी और लाइट के अंदर भी डिफरेंट गोल्डन किस्म का शेड देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर आफ्टर मार्केट इसकी प्रोजेक्टर लाइट लगी हुई है, कस्टमाइज इसके अंदर रिम लगे हुए हैं, क्रैश गार्ड्स इंस्टॉल्ड हैं, क्रोम के इंजन कवर्स लगाए गए हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर क्रोम प्लेटेड हैंडल लगाया गया है, ग्रिप क्रोम प्लेटेड लगाई गई हैं। फुली कस्टमाइज ये बाइक है और इसकी प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं 42,50,000 रुपये है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 1800 किलोमीटर यूज़ है जो कि इसकी ओरिजिनल माइलेज है। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं H2 के बारे में। हमारे पास 2 अदद H2 अवेलेबल हैं। ये जो आप पहला बाइक देख रहे हैं ये 2015 का मॉडल है और ब्रॉक्स का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 40 लाख रुपए इसका हम फाइनल प्राइस कह रहे हैं। इसके बाद 2016 का फ्रेश मोटरसाइकिल खड़ा है हमारे पास, इस पर भी ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और इस बाइक की जो प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं वो 65 लाख रुपए कर रहे हैं। इसके बाद 2017 का सुजुकी जिक्सर 1000 फ्रेश इंपोर्ट, सिर्फ 5000 किलोमीटर यूज, और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 44 लाख यानी 44 लाख रुपीस की जा रही है। इसके बाद यामाहा R1 जो कि 2015 का मॉडल है और लोकली यूज़ है ये मोटरसाइकिल, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 36 लाख रुपये। इसके बाद बात करेंगे हम BMW S1000 RR 2013 का मॉडल है, मैट ग्रे कलर के अंदर है, कार्बन फाइबर का टैंक लगा है, कार्बन फाइबर पिब लगी हुई है, कार्बन फाइबर की बेली है, टोटली ओरिजिनल पेंट में बाइक है, हैंडल का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, इसका ECU फ्लैश है, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, BMW के ओरिजिनल शॉटी लिवर्स लगे हुए हैं, हैंडल बार्स लगी हुई हैं। और इस बाइक की जो प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं वो 27 लाख रुपए है, ब्रांड न्यू मिचलन के टायर्स हैं, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है 2020 का। इसके बाद BMW S1000 RR 2011 का मॉडल, टोटली अपने पेंट के अंदर, ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और काफ़ी सारा सामान इस पर भी लगा हुआ है, क्रैश गार्ड हैं, लिवर्स हैं, ग्रिप्स हैं, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 22 लाख रुपये, लाहौर रजिस्टर्ड ये बाइक है। इसके बाद होंडा CBR रेपसोल 1000 CC 2005 का मॉडल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड और काफ़ी अच्छी कंडीशन का ये बाइक है, और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 11,75,000 रुपये है।
उसके बाद हम बात करेंगे जिक्सर 600 2015 का मॉडल मोटो जी बी एडिशन एम फोर का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ये बाइक है, क्रैश गार्ड्स लगे हैं, शॉर्टी लिवर्स लगे हुए हैं और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 23,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद जिक्सर 750 येलो कलर के अंदर कस्टमाइज, इसके अंदर डायमंड कट के रिम्स लगे हुए हैं, रेयर टायर फैट टायर किट लगी हुई है, 300 फैट टायर के साथ है, रोलिंग टॉयज की एक्सटेंशन लगी हुई है, ब्रॉक्स के एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके अलावा है टैंक लिड लगी हुई है कस्टमाइज, हैंडल बार्स लगी हुई हैं और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 25,00,000 रुपये है। इसके बाद जिक्सर 750 2013 का मॉडल लाहौर रजिस्टर्ड एससी का, इसके ऊपर एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है, क्रैश गार्ड्स लगाए गए हैं और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 18,50,000 रुपये कर रहे हैं, जिक्सर 750 2013 का मॉडल। फिर जिक्सर 2014 लाहौर रजिस्टर्ड और फुल ड्रॉफ का हेडर के साथ एग्जॉस्ट सिस्टम लगाए, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, हैंडल बार्स लिवर्स लगे हुए हैं, उसके अलावा इसके अंदर जो है ना काफ़ी सारा सामान लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन बाइक टोटल अपने ओरिजिनल पेंट के अंदर, और इस बाइक की प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 19,75,000 है। इसके बाद कावासाकी निंजा 636 जो कि 2013 का मॉडल है, नीट एंड क्लीन बाइक है, ब्रांड न्यू मिचलिन के टायर्स लगे हैं, क्रैश गार्ड्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, उसके अलावा इसके अंदर लिवर्स लगाए गए हैं, हैंडल ग्रिप्स लगाई गई हैं और इस बाइक की जो प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं वो 20,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, 20,50,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है। इसके बाद व्यूअर्स बात करेंगे कुछ चाइनीज़ बाइक के बारे में। जी व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं BMW S1000 RR का रेप्लिका है और ये 250cc सिंगल सिलेंडर है और ये जनाब फ्रेश इंपोर्ट है और EFI है, ये कार्बोरेटर बेस इंजन के साथ नहीं है जबकि ये EFI इंजन के साथ है और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 4,50,000 रुपये है, 250cc सिंगल सिलेंडर विद EFI। इसके बाद डुकाटी का रेप्लिका मैगना सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल और थोड़ा सा ये बाइक यूज़ है, M4 एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ब्रांड न्यू कंडीशन का ब्लैक कलर का 250cc सिंगल सिलेंडर और इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है 4,10,000। इसके बाद वेलेंटिनो 350 ड्यूअल सिलेंडर के साथ EFI वाटर कूल अपसाइड डाउन शॉक के साथ 5,00,000 रुपये। उसके बाद हम बात करेंगे जी जोंगशन का RE3, ये इसका कंप्लीट रिव्यू आप हमारे चैनल यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ पर देख सकते हैं। इसका जो प्राइस इनिशियली लॉन्च प्राइस थी कंपनी की 9,00,000 रुपए थी और उस रिव्यू के अंदर भी मैंने बताया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कंपनी से कोई अच्छी प्राइस लेने के लिए और इस वक्त जो हमने कंपनी से इसकी प्राइस डिस्काउंटेड ऑफर ले ली है वो है 7,50,000 रुपये, तो डिस्काउंटेड प्राइस इसकी 7,50,000 चल रही है जो कि इस बाइक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। वेरी गुड बाइक जिसके अंदर 400cc इंजन है, EFI है, वाटर कूल है, ड्यूअल सिलेंडर है, उसके अलावा क्वालिटी भी इस बाइक की बहुत अच्छी है, तो 7,50,000 इसकी एक रीज़नेबल प्राइस है। टाइगर शार्क 250cc सिंगल सिलेंडर ब्रांड न्यू और इस बाइक के ऊपर ऑफर चल रही है, वैसे इसकी प्राइस 4,50,000 है बट स्पेशल ऑफर इसके ऊपर चल रही है 4,10,000 रुपये की। इसके बाद कावासाकी ZX10R का रेप्लिका 250cc सिंगल सिलेंडर के साथ ब्रांड न्यू जीरो मीटर मोटरसाइकिल और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 4,50,000। इसके बाद कावासाकी निंजा 300 का रेप्लिका 250cc सिंगल सिलेंडर के अंदर, थोड़ा सा ये बाइक रूज है, रावलपिंडी रजिस्टर्ड है, 2020 का मॉडल है और इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है 4,00,000 रुपये। इसके बाद कावासाकी 1000Z का रेप्लिका 350cc ड्यूअल सिलेंडर के साथ और जो है ना इसकी अपसाइड डाउन शॉक है, वाटर कूल है, बल्कि इसकी बाइक की साउंड भी आपको चेक करवाते हैं, ड्यूअल सिलेंडर होने की वजह से बड़ी अच्छी साउंड है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ऑलरेडी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिए हैं और 6,00,000 रुपये इसकी हम प्राइस डिमांड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी साउंड है चूँकि एक ड्यूअल सिलेंडर मोटरसाइकिल है और ड्यूअल सिलेंडर की साउंड आप जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत अच्छी है। उसके बाद बिनेली 302R ये जो आप 2018 का मॉडल है, 1800 किलोमीटर यूज़ है, 7,50,000 इसकी प्राइस और ये CBR 300 सिंगल सिलेंडर 2017 का मॉडल 9,00,000 रुपये इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि अभी आपको कंप्लीट डिटेल रिव्यू दिया उमर भाई ने और मुझे उम्मीद है कि आज का ये रिव्यू जो है आपको पसंद भी आया होगा और इंशाल्लाह आपको जल्दी न्यू प्रोडक्ट जो इनका स्टार्ट हुआ है साथ न्यू शोरूम पे वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो उस पर ये कि बहुत ही ज़बरदस्त एक शोरूम बनने जा रहा है तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तो इस टाइम काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाई है यहाँ पर आके तो हो सकता है
कुछ चीज़ अगर मिसिंग रह गई हो वीडियो वगैरह में तो आप पूछ सकते हैं इनको, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे कॉल करें और पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस मज़ीद मिलती रहें, और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।